तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इफ कंडीशन इन वीवीएमआई को प्रोग्रामिंग। तो वीवीएमआई को प्रोग्रामिंग में इफ का क्या रोल है, हम आपके साथ इस वीडियो में इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि इफ जो है हम यूज करते हैं सिंगल कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन, सिंगल रिजल्ट, मल्टीपल रिजल्ट, इन सबों के लिए। तो चलिए इसी में हम इसका इस्तेमाल आज करेंगे। एक सब्जेक्ट डिफाइन करते हैं और उससे पहले हम प्रॉब्लम समझाते हैं आपको कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि हमारे आपके आपके सामने दिख रहा है ये सेल्स का कॉलन है हमारे, और इसमें हमारा मान लीजिए कि जो ग्रेटर देन 50 है उस पे 500 का हमें एक इंसेंटिव देना है, ग्रेटर देन 50। तो जैसे कि लास्ट क्लास हम समझाए थे उसी चीज को यहां पे हम फॉलो करेंगे। यहां पे हम एक वेरिएबल देते हैं कि dim r as a long, फिर r इक्वल टू हम यहां करते हैं रेंज, और रेंज में हमने दे दिया a2 डॉट वैल। कंडीशन नहीं है कि इफ r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन रेंज e2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 500। अब यहां पे हमने डिफाइन करके रेंज को स्टोर किया है। अब इसमें क्या है कि हमारा यहां जो आप देख रहे हैं सर, आवाज ब्रेक हो रहा है। अभिषेक जी आपको भी अभी वॉइस में प्रॉब्लम है? हाँ सर, अभी बीच में नहीं आ रही थी वॉइस, अभी आ रहा है सर। अभी आ रहा है सर। तो हमने यहाँ पे लिखा r is greater than 50 then range b2 dot value 500 हमने दे दिया। इसमें ना आ गया आपको? अब प्रॉब्लम है कि जब इसको मैं रन करूंगा तो रन करने से क्या होगा कि आप देखेंगे यहां पे सिर्फ एक सेल पे चला, लेकिन मुझे तो पूरा रेंज पे चलाना। तो हमें इस कोड को 49 टाइम रिपीट करना है, और हर बार ए टू के जगह पे थ्री, ए फोर, ए फाइव, बी टू के जगह बी टू, बी थ्री, फोर, फाइव करना है। तो इसी चीज के लिए हम यूज करते हैं लूप। हमने यहां पे लूप लगाया कि 4i इक्वल टू चले 2 से 50, और फिर यहां पे हमने नेक्स्ट कर दिया। हमने 2 से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि हमारे एक्सेल के अंदर में हमारा जो रो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है। समझ में आया आपको सर? अभिषेक जी यस सर, समझ गया। लेकिन प्रॉब्लम है कि हमने तो यहाँ पे A2 B2 ही है, ये तो हर जगह पे फिक्स होगा ना। तो I जैसे कि हमने बताया था जो शुरुआत में हमने लूप बताया था, I क्या होता है? ये होता है काउंटर। यस, तो हमें क्या करना है, सॉरी सर वो म्यूट हो गया था। तो यहां हम जिसे देख पा रहे हैं आपके सामने कि r इज ग्रेटर देन 50 और b2 है, तो i क्या होता है? एक काउंटर होता है कि लूप कितना बार चल चुका है, और एक तरह के वेरिएबल होता है। तो हम यहां यूज कर सकते हैं, और यहां भी हम यूज कर सकते हैं। अब क्या होगा, अब हम प्ले करेंगे तो पूरा 50 तक चलेगा, चला।
लेकिन यहाँ तो 50 फिक्स हो गया ना, इन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि ये बढ़ जाए या घट जाए, तो उसको हम यहाँ लूप की क्लासेस में बताऊंगा कि इसको यहाँ से डायनेमिक कैसे करते हैं। फिलहाल इसको इग्नोर कीजिए, इग्नोर इट। तो यहाँ पे रेंज ए के साथ आई डॉट वैल्यू और बी के साथ 500 किया और एक ही लाइन में लिख दिया, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे पास सिंगल कंडीशन और सिंगल रिजल्ट है तो एक लाइन में लिख देंगे। लेकिन बहुत सारे जगहों में आप देखेंगे कि इसको नीचे तोड़ के और फिर यहाँ पे एंड इफ करते हैं, तो ऐसा ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिंगल कंडीशन तो हमें एक लाइन में लिखनी है, हम उसको दो लाइन कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। जरूरी कब है? जब आपके पास मल्टीपल रिजल्ट्स होंगे, जैसे कि हम चाहते हैं कि ए 500 तो दे ही दें, साथ में कॉलन ए को कलर्ड भी कर दे। क्या करेंगे इसके लिए? उस केस में मुझे ब्रेक करके इस फॉर्मेट में एंड इफ वाले फॉर्मेट में लिखना है। यहां हो जाएगा आपका रेंज ए 1 डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड। अब मैं इसको प्ले करूंगा तो कलर भी हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि दो लाइन चार लाइन लिखे, आप यहां पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना मर्जी उतने लाइंस ऐड कर सकते हैं। मैं सर आपको शेख जी, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर, क्लियर है। तो वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर, नहीं, क्लियर है। यहां पे एक चीज और देख लीजिए, जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस अगर आपके पास होते हैं और एल्स का पार्ट भी होता है, हमने बोला कि ग्रेटर देन 50 हो तो 500, अदरवाइज 100, तो उस केस में हम यहां एल्स लगाते हैं, तो एंड इफ से पहले लगता है। तो इफ के, जैसे मैं आपको आर्टिकल दिया था पढ़ने के लिए, उसमें था कि इफ के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट होता है आपका ट्रू पार्ट और सेकेंड होता है आपका फॉल्स पार्ट। ये आपका फर्स्ट जो है आपका ट्रू पार्ट है और सेकेंड जो है आपका फॉल्स पार्ट है। तो सेकेंड वाले में मैं यहां पे कॉपी करके 100 कर दिया। मैं इसको रन कर दिया, देखिए क्लियर है सर? A1 के साथ हमने यहां पे आई को कंसीडर नहीं किया, इसलिए कलर दिया। अब इसलिए मैं मल्टीपल कंडीशन ऐड करूं, तो जैसे कि मैं चाहता हूं कि जो 50 to 80 है उस पर मुझे 800 का इंसेंटिव देना है, 50 to 80, तो मल्टीपल कंडीशंस है। तो मैं इसके लिए एक दूसरा मैक्रो बनाता हूं, सब इफ अंडरस्कोर 2 ब्रैकेट ओपन क्लोज, और सेम मैं यहां पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं कि डिम आर एज ए लॉन्ग, ताकि जरूरत नहीं है बड़े बड़े, जब बहुत सारे मल्टीपल कंडीशन होगा, कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होंगे, वहां पे हम डिफाइन करते हैं तो बेहतर होता है। और आई इक्वल टू चले 2 से लेके 50 तक, ताकि पूरे लिस्ट में आ जाए, और फिर यहां पे हम देंगे आर इक्वल टू रेंज ए के साथ हमने कंबाइन किया आई डॉट वैल, एंड If R is greater than equal to 50 and R is less than equal to 80, अब रिजल्ट सिंगल है तो मैं यहीं पे लिख दूंगा कि रेंज B के साथ हमने I को कंबाइन किया डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 100। यहां पे एक चीज देखने हुआ कि कंडीशंस मल्टीपल हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिजल्ट मोर देन 1 है या एल्स है
उसके बाद हम उसको एंडिप वाला मेथड अपनाते हैं। समझ में आया अभिषेक जी? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। हम बात करते हैं सब्जेक्ट अगली क्लासेस में, अगली टॉप पार्ट में, कि मुझे अगर इसमें एल्स देना होगा तो मैं इसको तोड़ूं, इसको यहां से तोड़ूंगा और फिर यहां एल्स और फिर यहां पे हम देंगे और जवाब दीजिएगा तो एंड इफ करना जरूरी है। मल्टीपल लाइन हो गई तो एंड इफ करना कंपल्सरी है, इसका ध्यान रखिएगा वरना आपका माइक्रो जैसे रन करेंगे एरर देगा। तो सर हम जब ये इफ कंडीशन डिक्लेयर करेंगे तो इसमें एल्स अगर नहीं देंगे तो भी चलेगा, अगर हमें नहीं है जरूरत उसकी तो? हाँ। तो वो सिर्फ वो जो इफ वाली कंडीशन है उसको ही करेगा, एक्सेल जैसा कोई एरर तो नहीं देगा? जैसे हम एक्सेल में इफ लगाते हैं तो फिर फॉल्स नहीं, नहीं। एक्सेल में भी एरर नहीं देता है। नहीं, नहीं, मतलब वो इफ कंडीशन लगाते हैं तो ये जो आपका दिख रहा है लॉजिकल टेस्ट रिक्वायर होता है, बाकी दोनों ऑप्शनल है, नहीं भी दीजिए दे सकते हैं आप। देखिए नहीं दिया तो डिफॉल्ट जो रिजल्ट आता है डिफॉल्ट। यही बोल रहा हूँ ना, ये जो फॉल्स आ रहा है इसकी जगह पे जैसे मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, ऐसा उसमें तो नहीं होगा ना वीबीए में कि वहां पे दिखा जाए ट्रू? ब्लैंक आएगा, कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा। ठीक है ठीक है। आप इस सेपरेट रन के दिखाया था आपको मैंने, 500 था उसमें ब्लैंक दिख रहा था। ओके सर। नेक्स्ट आता है, इसमें आप तीसरा चौथा कंडीशन भी कर सकते हैं एंड एंड लगा के। तो एंड का यूज हम कब करते हैं? जब हमारा रिक्वायर्ड होता है, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो एंड का कंडीशन नहीं लगा। अभिषेक जी अभिषेक जी मेरे वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही ना? नहीं सर, क्लियर आ रही है। आपके एंड से प्रॉब्लम है स्वाद जी? आजकल इंटरनेट का बहुत पंगा चल रहा है सर, हर जगह पे दिक्कत हो रही है। यस सर। हेलो। हेलो, थोड़ा ब्रेक हो रहा था आवाज, अभी आ रहे सर। आपके एंड से प्रॉब्लम है, मेरे एंड से प्रॉब्लम होता तो अभी शेख जी को भी होता। ओके ओके सर। इसमें अगली टॉपिक के तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है और के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कुछ कोड्स डले हुए हैं जे कॉलम, 1 2 3 इस तरह से, तो हमें यहां पे क्या देना है? यहां पे देना है टाइप। तो अगर 1 है 2 है 3 है 4 है तो यहां पे मेट्रो आना चाहिए, इसके अलावा हमें अदर शो कर। ठीक है, इसके लिए चलिए प्रोग्राम लिखते हैं। यहां लिखते हैं 4 आप यहां पे i इक्वल टू चले 2 से, कितना कॉलम है हमारा, कितना कॉलम है 8, तो 8। ओके, यहां पे हम करेंगे इफ range जे, यहां क्या मुझे और लगाना है तो मल्टीपल कंडीशन देने हैं, तो यहां हम डिफाइन करेंगे तो बेटर होगा वरना लिखना पड़ जाएगा। डिम आर एज ए रेंज और यहां पे हम कर देते हैं आर इक्वल टू रेंज के साथ dot value, यहां होगा कि if r is equal to 1 और r equal to 2 और r equal to 3 और r equal to 4। अब यहां पे जरूरी नहीं था, हम सिंपल ये भी लिख सकते थे कि r less than 4, less than equal to 4,
लेकिन यहाँ तो 1, 2, 3, 4 चलो सीक्वेंस में है ना, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 1, 2, 3 की जगह पे 1 हो, 1, 2, 3, 4 ऐसे भी हो सकता है ना। अगर ऐसा हुआ तो फिर आपको यहाँ पे सीक्वेंस, तो फिर जो मैंने बताया था आपको कि हम लेस देन 4 कर सके, ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो हमने यहां पे क्या लिखा, अब मुझे इसमें एल्स है, एल्स भी देना है, जब नीचे ब्रेक करते हैं और यहां पे लिखते हैं रेंज नहीं है जी के, के के साथ हमने आई को ऐड किया, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू इसको उठाया और यहां पे कर दिया मेट्रो के जगह पे अदर और फिर एंड। तो यहां पे ये दो चीजें समझने वाली बात है। पहली चीज ये कि मल्टीपल कंडीशंस में हम और का इस्तेमाल करते हैं, तो एंड का इस्तेमाल कब होता है, जब हमारे पास रिक्वायर्ड हो कि इस जो भी हमारी कंडीशन है सबके सब होना ही चाहिए। लेकिन हमारा जो ए ए है और है, उसमें क्या है कि भाई कोई एक या एक से ज्यादा, कोई एक या एक से ज्यादा, ठीक है सर? यस सर, ये तो समझ गए। बट अगर सर हमारे पास जैसा भी आपने और वाला एग्जांपल दिया है, इसमें तो चलो हमें पता है सिलेक्टेड डेटा है, चार कॉलम हमें चार रो सिलेक्ट करनी थी, उसका डेटा देना था। अगर हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा हुआ तो उसको लुकअप यूज करेंगे। अच्छा, लुकअप यूज करेंगे, ठीक है। लुकअप ले, लुकअप मेथड यूज करेंगे, ठीक है। अभी हम जस्ट आपको इफ कंडीशन समझा रहे हैं, जैसे एक्सेल में इफ यूज करते थे, सेम कंपेयरिंग यहां यूज कर सकते हैं। यस सर, यस समझ गए। ओके, तो यहां और इस्तेमाल होता। अब यहां पे एक चीज और है कि हमने वेरिएबल्स, आपने जो स्टार्टिंग में मैंने वेरिएबल दिया था, यहां सोचा जा सकता है कि वेरिएबल का कोई यूज नहीं है, हम जो है डायरेक्ट, क्योंकि वेरिएबल का हमने 3 लाइन एक्स्ट्रा कर दिया ना सर, हम डायरेक्ट यहां पे आर के जगह पे इसको लिख सकते हैं, ठीक है सर? लेकिन यहां पे अगर ऐसा होता तो मुझे यहां लिखना पड़ता, यहां लिखना पड़ता, यहां लिखना पड़ता, यहां लिखना पड़ता, और हो सकता है 10-12 है तो 10-12 जगह पे लिखना पड़ जाएगा। तो यहां पे मेरा वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको यूज करना डिसीजन बेनिफिशियल है। क्या बोलना है शेख जी? यस सर, यस सर, जहाँ पे मतलब हमें बार बार डिक्लेयर करना पड़े वहां पे हम वेरिएबल एक बार कर देते हैं तो फिर हमें मतलब कि ऐसा आपको लग रहा है कि आपके कोड से कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बड़ी लाइनें हो रही है, क्योंकि चलो अभी तो सिंपल सा आपका रेंज था इसलिए, लेकिन डायनेमिक रेंज में तो लंबा हो जाएगा ना कोड, एक्सेलेंट एंड ऑफ ऑफसेट वगैरह लगेगा तो। यस सर, यस सर, समझ गए। बहुत लंबी कोड हो जाएगी। अब चलो शुरुआत में तो आप लगा दोगे, 6 महीने सालों बाद या कोई अदर पर्सन जब उसको चेंज करना चले चाहेगा तो कंफ्यूजन होगी बड़ी सी। लंबी कोड होगा तो फाइल की साइज बढ़ेगी, उसकी प्रोसेसिंग का साइज टाइम बढ़ेगा, हैंग हो सकती है। तो सो ये सब चीजों को देखते हुए हम पूरी चीज को सर, इसमें मुझे ये R is equal to range हो गया है, J and I, तो ये तो 2 से लेके 8 तक चलेगा। ये प्रोसेस कैसे होता है? पहला वो 2 को लेगा, J2 लेगा, फिर J3 लेगा, J4 लेगा। तो होता क्या है कि AI जो है ना, 4 हाँ। क्या 4 का काम है रिपीट करना। तो 4 का काम रिपीट करना है तो 4 कहता है भाई कितना बार रिपीट करना है। तो हम यहां स्टार्टिंग और एंडिंग डिक्लेयर करते हैं कि 1 से 0 से 2 से 5 से 10 से 1000 से 20 से, करेक्ट, रेंज दिया हमने, रेंज बिटवीन कर दिया, इतना बार रिपीट करना है। अब फोर एक आई को डिक्लेयर कर देता है कि तुम काउंट करोगे कि कितना बार मैं चला चुका हूं, काउंटर होता है। तो आई होता क्या है, आई भी ऑलरेडी एक वेरिएबल ही होता है, जैसे कि आर है। हम जैसे आर को यूज कर रहे हैं वैसे हम आई को भी यूज कर सकते हैं। ओके सर, टाइम चलेगा तो आई के ऊपर 4-1 स्टोर कर देगा, तो जे और 1 J1 हो गया। J2 हुआ तो क्या बन गया, J2 J2
ओके यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, हमने रेंज दिया हुआ है, हमें ब्लर दे दिया, यहाँ पे लॉन्ग देना चाहिए था, रात लग रहा है। ओके तो यहाँ पे क्या है, टू आ गया, टू हो गया। अब देखिए मैच किया, अगर रिजल्ट सक्सेस है तो रिजल्ट देगा मेट्रो, बाहर आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट ने चेक किया है कि टू है, मतलब कि एक से कम है, ये जो हमने चलाया है ये तो हमने टॉप टू बॉटम चलाया है, अगर मुझे लेफ्ट टू राइट अगर वो स्टेप होता है, वो स्टेप होता है, वो हम आपको बताएंगे, लूप की क्लास में समझिएगा, ठीक है ना? ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए कि इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि आई क्या है क्या नहीं है, तो एक काम और कीजिएगा, अब यहाँ पे एक डिक्लेयर कर लीजिएगा कि डिम के एज ए लॉन्ग, समझे, और यहाँ पे कीजिए के इक्वल टू के प्लस वन, हो गया सर? ए भी लूप की तरह काम करेगा, हर बार क्या होगा वैल्यू इंक्रीज करेगा। सर ये नहीं समझ में आता सर, मुझे कंफ्यूज हो गया हूँ मैं, K प्लस वन नहीं समझ में आता, नहीं समझ आता। करता क्या है सर एग्जैक्टली? मैं ये बताता हूँ, जैसे कि मुझे ये तो फोर तो सीक्वेंस चल रहा है, हालांकि उसका यूज हम इसमें भी कर देते हैं, जैसे कि एक किसी ने मुझे, हालांकि उसे स्टेप इन्फो भी है, लेकिन स्टेप इन्फो में बाद में बात करते हैं। ओके सर, रात को मैसेज कौन दे रहा है मुझे? तो यहां पे मुझे कोई कंडीशन देना है, लेकिन कंडीशन देना है हर थर्ड पे, बात समझ रहे हैं? मुझे हर थर्ड नंबर पे कंडीशन देना है, तो कैसे करें? तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, लूप लगाएंगे if underscore four, इसके लूप में स्टेप स्टेप से भी हो जाता है, लेकिन हम लूप की क्लास समझाएंगे, लेकिन ये प्लस वन वाला आगे फंक्शन वगैरह में इस्तेमाल होता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। जैसे हमने कर दिया डिम आर एज ए, हमने दे दिया लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग दे दिया। यहां पे हम दे रहे हैं कि फोर आई इक्वल टू चले वन टू कितना 47। और हम यहां पे लिखते हैं R इक्वल टू R प्लस 3 एंड देन रेंज के साथ हमने R को लगाया डॉट वैल्यू इज इक्वल टू कुछ भी दे दीजिए या कंडीशन लगा दे, हालांकि इसमें कंडीशन में नहीं लगाया मैंने, मेरे पास वो प्लस वन कैसे करते हैं नेक्स्ट आई कौन होता है, अब इसके स्टेप इन्फो कीजिए तो पता चलेगा। अभी आई क्या है, पहला बार वन है, इसने क्या किया जीरो प्लस थ्री इक्वल टू थ्री हो गया, तो बी के साथ थ्री एड हुआ था, क्या हो गया बी थ्री, बी थ्री पे वैल्यू किया, नेक्स्ट टाइम गया, अब आर पहले से थ्री है और इससे थ्री को ऐड कर दिया, तो क्या हो गया सिक्स, हो गया सिक्स सर, अब हो जाएगा बी सिक्स, समझ रहे हैं सर? आर डिफॉल्ट से वन से स्टार्ट होगा ना सर? जीरो से, जीरो से, ओके। हाँ तो ये ऐसे ही जो है हम चीजें यहाँ पे करते हैं, स्टॉप कर दिया, ठीक है, तीसरे पे आ रहा है।
चीजें हम इस्तेमाल करते हैं सर, इसमें अपने एंड इफ ने लगाया, हमने इफ का कंडीशन दिया ही नहीं है सर, हमने कोई कंडीशन ही नहीं दिया था। यस 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 अंडरस्टूड सर, ये तो फिक्स हो गया ना, हम जब इफ, अब इसी को इफ कंडीशन से कैसे चीजें करेंगे, मोड लेके करेंगे। इफ कंडीशन करना होगा तो क्या करेंगे, और तीसरा चाहिए तो यहां देंगे कि इफ आई मोड थ्री जीरो देन रेंज टी I को सेट किया और डॉट वैल्यू इक्वल टू मोड क्या करता है पता है आपको, आप जब डिवाइड करते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉइंट्स डालने, हम पॉइंट कब यूज करते हैं, जब शेषफल रिविंडर जब हमारे जो डिवाइडर है उससे कम हो जाता है, जैसे मान लीजिए ना कि मुझे यहां सेवन को थ्री से डिवाइड करना है, यहां हमारा टू होगा सिक्स होगा, अब जो शेषफल आया वन आया, वन इससे लेस देन है देन पॉइंट देंगे देन जीरो देंगे ना सर, तो पॉइंट देने से पहले ये जो वन आता है इसको बोलते हैं शेषफल देखिए रिविंडर, तो मोड का काम वही है डिवाइड करके रिविंडर निकालता है, तो थ्री से अगर डिवाइड कर रहा है रिविंडर अगर जीरो आ रहा है इसका मतलब है कि ये तीन का मल्टीप्लेक्स है, चलो इसमें वैल्यू डाल देंगे, समझ गए सर। तो इफ पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इफ के तकरीबन पांच एग्जांपल अपने तरफ से बना के दीजिए, फिर अगली क्लासेस में मैं आपको इससे ज्यादा जो है वो हम ओके सर, ओके सर, ठीक है सर, यस सर, किसी तरह का डाउट तो नहीं है? नहीं सर, अभी तो प्रैक्टिस करते हैं, फिर अगर होगा तो फिर पूछ लेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, गुड नाइट, गुड नाइट।